जी तो नोट कर लीजिए, रात 8:30 बजे का मतलब भारत की बात का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ अखिलेश आनंद हूं। कल राहुल गांधी के मौन पर सदन में संग्राम मचा हुआ था और आज राहुल गांधी के भाषण और उनके व्यवहार पर बवाल शुरू हो गया। राहुल गांधी पर सदन के भीतर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा। आरोप ये कि संसद से जाते वक्त जब स्मृति ईरानी राहुल के हमले का जवाब दे रही थी, तब राहुल ने फ्लाइंग किस का इशारा किया। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर को राहुल गांधी की शिकायत की। जो बहस मणिपुर को लेकर होनी थी, वहां चर्चा के केंद्र में फ्लाइंग किस आ गई। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं, ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? तो वो मुझे लगता है कि इनको जान ही नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। तो लीजिए, समझ तो गए ही हैं आप कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम से जुड़े बिल्कुल ताजा विवाद का नाम है फ्लाइंग किस की भाग। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। राहुल गांधी के सदन के भीतर फ्लाइंग किस का इशारा करने के बाद बीजेपी ब्रिगेड हमलावर हो गई है। राहुल गांधी के संस्कारों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपकी माता जी बैठी हुई थी, आप राजीव गांधी के बेटे हैं, आप इंदिरा गांधी के पोते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं, यही सीखा है कि सदन में फ्लाइंग किस किया जाए जहां इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं। फ्लाइंग किस चैप्टर की पूरी ABCD जानने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी दिखाते हैं। दिन बुधवार, वक्त दोपहर करीब 12 बजे, मौका अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी का भाषण। राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण को लेकर काफी उत्सुकता थी, क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद ये उनका पहला भाषण था और राहुल जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले स्पीकर का धन्यवाद दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। राहुल गांधी करीब 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक सदन में खड़े होकर बोलते रहे और पीएम मोदी पर सीधे हमले के लिए उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे किरदारों का इस्तेमाल किया। रावण, रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जवाब देने के लिए खड़ी हुई। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर
कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। अब सदन के भीतर से आई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यहाँ इस जगह पर राहुल गांधी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, जबकि सदन के बीचों बीच आगे की सीट पर स्मृति ईरानी मौजूद थी। स्मृति ईरानी इसी जगह पर खड़े होकर भाषण दे रही थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जब बोलना शुरू किया, उसके कुछ ही मिनटों बाद राहुल गांधी संसद से बाहर निकल गए थे और स्मृति ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन जो आज यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो चले गए आज, जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलीव सलीव गलीव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी पर आरोप ये लगा है कि जब वो सदन से बाहर जाने के लिए अपनी सीट से उठे तो जाते जाते स्मृति ईरानी की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, ये आज सदन में देश को पता चले। अब इस तस्वीर को देखिए, ये राहुल गांधी के भाषण खत्म होने के बाद की है। सदन में दोनों पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, राहुल गांधी खड़े हैं और वो अपने आगे अधीर रंजन चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बिठाते हैं और उनका चेहरा स्पीकर ओम बिरला की तरफ होता है। सदन के भीतर से आई तस्वीर के इस हिस्से को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्विटर पर कुछ इस तरह से शेयर किया है, जिसके जरिए वो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। जबकि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने वीडियो के इसी हिस्से को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि स्मृति ईरानी का झूठ बेनकाब। आपने मुझे बोलने को आमंत्रित किया है। फिलहाल तस्वीर का इतना ही हिस्सा मौजूद है, लेकिन राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले एपिसोड के बाद बवाल मच गया है। राहुल गांधी के इस बर्ताव की आलोचना होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी महिला सांसदों ने राहुल की घेरेबंदी शुरू कर दी है। विचित्र उनका ये बिहेवियर था और बहुत ही बचकाना हरकत थी, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट, बहुत ही अनुचित मुस्कुराते हुए और फ्लाइंग किस करते हुए निकल गए। आपने, मैं समझती हूँ, बहुत मायनों में अपने संसद की मर्यादा को तोड़ा है। ये चिट्ठी हम लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है। आज राहुल गांधी महिला के साथ मिसबिहेव किया है, ये क्या बिहेवियर है? ये टोटली इंडिसेंट है, टोटली महिला के लिए अपमान है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो शिकायत है जो बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को सौंपी है। इस शिकायत में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और 22 महिला सांसदों के हस्ताक्षर भी मौजूद है। हालांकि अब बीजेपी महिला सांसदों के अलावा शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी फ्लाइंग किस एपिसोड पर बयान देते हुए कहा है कि राहुल ने प्यार के भाव के तौर पर ऐसा किया था। कि जिन लोगों का एजेंडा ही नफरती बन गया हो, जिन लोगों के मुंह से सिर्फ नफरत निकलती हो, जो अफेक्शन नहीं समझते हों, जो प्रेम नहीं समझते हों, तो उनको कोई भी अफेक्शन का जेस्चर पाप ही लगेगा। और वो उन्होंने ना कोई महिला सांसद पे किया, और ख़ास करके वो चीखती चिल्लाती मंत्री पे तो बिल्कुल ही नहीं किया, और उन्होंने जनरल एक अफेक्शनेट जेस्चर था जो वो कर बाहर निकले। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार पर नोटिस लिया गया है। सभी से बात करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा चिंताजनक भी बड़ा शर्मनाक है और हम सभी लोग मतलब सकते में आ गए। हम उनको माफी मांगनी चाहिए, पहले भी एक बार वो आंख मारने का एक शर्मनाक कृत्य कर चुके हैं, तो ये हरकतें ये अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर के इस प्रकार के आचरण को कोई भी अच्छा नहीं बता सकता, इसलिए मैंने कहा कि सोनिया जी भी माँ के नाते चिंतित होंगी, उनको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले एपिसोड के बाद सदन के भीतर उनके आंख मारने वाली तस्वीर एक बार फिर से सुर्खियां बन गई है। And thank you for giving me. तस्वीरें 5 साल पहले साल 2018 की है, उस वक्त सदन में मॉनसून सत्र चल रहा था और दूसरे सांसद को आंख मारने पर राहुल गांधी की काफी आलोचना हुई थी। 5 साल पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस हैं। अपने इस भाषण के बाद राहुल गांधी सीट से उठकर पीएम मोदी के पास पहुंचते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। मोदी सहज अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी सीट पर वापस लौटने के बाद राहुल गांधी आंख मारते हैं। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आंख मारने से लेकर गले लगने तक की पूरी प्रक्रिया पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल।